क्या आपको भी स्टार मिल गया है फेसबुक पर, लेकिन सेटअप करना है उसको बिल्कुल सही तरीका क्या है। दोस्तों कुछ अपडेट भी आया है, कुछ उसमें चेंजिंग भी हुआ है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल नए तरीका से बताने वाले हैं किस तरीके से स्टार सेटअप किया जाता है। दोस्तों अगर आप अच्छे तरीके से स्टार सेटअप करते हैं, सब कुछ सही से डालते हैं, कुछ भी गलती नहीं करते हैं, तो आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आपका जो पेमेंट है वो फंस जाएगा, क्योंकि काफी लोग अभी के टाइम पर इतने परेशान है कि पेमेंट को लेके कि उनका जो पेमेंट है वो आ ही नहीं रहा है। मेरा अभी तक एक भी पेमेंट नहीं फंसा है, ना ही मुझे बैंक जाने की जरूरत पड़ी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बिल्कुल हम सही तरीका बताने वाले हैं किस तरीके से स्टार सेटअप करना किया जाता है और क्या क्या वहां पर फिल किया जाता है और किस तरीके से आपको सब कुछ भरना, टैक्स फॉर्म किस तरीके से भरना, नाम वगैरह एड्रेस वगैरह क्या कुछ किस तरीके से डालना है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि काफी लोग गलती कर देते हैं। तो कुछ नया तरीका है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। ये वीडियो मैंने कल शूट किया था, आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए मैं समझा रहा हूं, इसलिए मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। एक एक पॉइंट है जो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, यानी कि जूम कर करके भी आपको समझाऊंगा। यहां पर देखिए, चलिए हम पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। तो ये देखिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, तो साइड स्क्रीन पर आप देखते जाइए। हम पहले यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करते हैं, तो यहां पर देखिए ये प्रोफाइल पे मिला हुआ, चाहे प्रोफाइल पे मिला हो चाहे आपको पेज पर मिला हुआ है। यहां पर देखिए जैसे कि हम यहां पर क्लिक करते हैं, तो यहां पर देखिए अपन को जाना है मोनेटाइजेशन के सेक्शन पर। यहां पर देखिए सी डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, यहां पर देखिए सी डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए नीचे आते हैं, तो यहां पर देखिए मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल रहा है। गेट स्टार्ट पर हमको क्लिक करना है, तो यहां पर देखिए सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे हम सेटअप के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो फिर से एक नया टैब ओपन होगा। यहाँ पर देखिए काफी सारे यहाँ पर लॉक लगा है, सिर्फ स्टार का खुला हुआ है। तो सेटअप पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है। देखिए सब कुछ ग्रीन है, कोई भी यहाँ पर पॉलिसी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, तो फिर से एक नया टैब ओपन होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इस पर जैसे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक नया टैब ओपन होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या भरना है। देखिए सबसे पहले यहां पर फर्स्ट नेम डालना है। अब कुछ लोग यहां पर गलती क्या कर देते हैं कि जो उनके आधार का वो जो उनकी आईडी में डाला है, फेसबुक आईडी में, वो यहां पर डाल देते हैं। तो वो आपको नहीं डालना है, जो आपके आधार कार्ड में डाला है वो डालना है भाई। लोग यही गलती कर देते हैं, तो उनका जो पेमेंट है वो फंस जाता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो फर्स्ट नेम डाला है, जैसे कि किसी का नाम है पन्ना लाल यादव, अब देखिए समझ लेना पन्ना लाल यादव यानी कि तीन में है। तो यहां पर देखिए पहले फर्स्ट नेम है, नीचे में यहां पर लास्ट नेम है, तो आपको क्या करना है पन्ना ऊपर डाल देना है, नीचे आपको यादव डाल देना है। अब बीच में मान लीजिए लाल है, तो यहां पर आपको लाल है कहीं पर भी नहीं लगाना है। अगर आपके में दो ही हैं जैसे पन्ना यादव, तो सीधे आपको पन्ना और यादव डाल देना है। अगर लाल है तो यहां पर लाल आपको नहीं लगाना है। और नीचे आपको यहां पर देखिए डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है यानी कि डालना है। उसके बाद नीचे यहां पर कंट्री डालना है। तो यहां पर देखिए बिल्कुल श्योर हो चुके हैं कि आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, बीच का नाम यहां पर नहीं डालना है, अगर है आपको आगे डालना है। और देखिए डेट ऑफ बर्थ यहां पर देखिए हम जैसे प्ले करते हैं यानी कि आप यहां पर डालते हैं, तो यहां पर देखिए जैसे कि देखिए नाम क्या है कुलदीप यादव, बीच में नाम नहीं है, तो सीधी आपको कुलदीप यादव डालना है। अगर बीच में कुछ होता तो वो आगे डालना है आपको। यहां पर देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है, तो कुछ इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। पहले आपको यहां पर दिन करना है, बीच में यहां पर देखिए वो दी गई है यानी कौन सा महीना था, और एंड में यहां पर देखिए सन दी गई है कि कौन से सन में आपका जन्म हुआ है। तो यहां पर देखिए आपको सन करना है, इस तरीके से आपको इसको सेटअप कर लेना है। तो यहां पर देखिए इस तरीके से आपको फिक्स कर लेना है। उसके बाद यहां पर नीचे आता है कंट्री, तो कंट्री मैंने बता ही दिया कि इंडिया आपको सिलेक्ट करना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि काफी लोग यहां पर गलती कर देते हैं। तो यहां पर देखिए आपको इंडिया सिलेक्ट करना है, यहां पर तो यहां पर इंडिया लिखा हुआ, देखिए ये इंडिया लिखा हुआ है। उसके बाद यहां पर देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, तो ये आपको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं, तो फिर से एक नया पेज ओपन होता है। तो यहां पर देखिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहां पर देखिए यहां पर भी कुछ लोग क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं। यहां पर देखिए जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस टाइप लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है कि कुछ लोग गलती करते हैं, इस वजह से भी पेमेंट आपका रुक जाता है। तो यहां पर भी आपको गलती नहीं करनी है। देखिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहां पर क्या सिलेक्ट करना है। ऊपर अपना इंडिया सिलेक्ट है, वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर देखिए सबसे फर्स्ट वाला ये दिख रहा है आपको इंडिविजुअल, ये फर्स्ट वाला ये आपको सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है आपको। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट करना है। देखिए इस तरीके से नेक्स्ट करना है। चलिए हम इसको नेक्स्ट कर, एक एक पॉइंट में अच्छे से आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना इस वीडियो को, और जो चीज मैं बता रहा हूं वो आपको बिल्कुल फिल करना है। तो यहां पर देखिए अपना नाम आ चुका है। अब देखिए यहां पर अगर आपका मिडिल नाम जैसे कि पन्ना लाल यादव है, तो यहां पर देखिए मिडिल नाम लीगल मिडिल नाम है, दिखाई दे रहा, तो ये आपको यहां पर आपको लाल डाल देना, जैसे कि पन्ना लाल यादव था तो यहां पर लाल डाल देना है। अगर नहीं है मिडिल नेम कुछ भी नहीं, जैसे कि कुलदीप यादव है लास्ट यानी कि मिडिल नेम कुछ नहीं है बीच का, तो यहां पर कुछ नहीं डालना है। अगर है तो यहां पर फिल करना है। अब यहां पर देखिए नीचे भी यहां पर कुछ ऑप्शन आते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं। जैसे कि प्राइमरी एड्रेस डाला हुआ है यहां पर, देखिए जैसे कि हम बैक करते हैं थोड़ा, देखिए प्राइमरी एड्रेस में क्या डालना है, अभी आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाते हैं। देखिए थोड़ा रुकिए, थोड़ा यहां पर देखिए इस तरीके से। अब यहां पर देखिए
प्राइमरी एड्रेस, तो प्राइमरी एड्रेस में आपको डालना है जो आपके आधार कार्ड में पीछे डाला हुआ है, जो पीछे एड्रेस डाला हुआ है ना, तो वो आपको डालना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके पिताजी का नाम तो डाला ही रहता है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमको पिताजी का नाम भी डालना है पीछे, नहीं बिल्कुल नहीं डालना है पिताजी का नाम, आपको जो आधार कार्ड में नाम डाला हुआ वो आधार कार्ड में एड्रेस डाला हुआ वही आपको डालना है, पीछे का उनकी पिताजी का नाम नहीं डालना। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिटी टाउन, सिटी टाउन में जैसे कि मान लिया आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट डाल देना, या कोई आप बड़ी सिटी में रहते हैं तो बड़ी सिटी डाल सकते हैं, अगर आप गांव देहात में रहते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं कि जिला डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंट्री रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट डालना है जैसे कि यूपी एमपी हरियाणा राजस्थान यानी जो भी है तो वो यहाँ पर आपको डाल देना। उसके बाद यहाँ पर देखिए पोस्टल कोड, यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड दिखा रहा है, तो यहाँ पर पोस्टल कोड या पोस्ट कोड रहता है, तो ये क्या रहता है कि जो अपने आधार कार्ड में पोस्ट कोड यानी कि डाक खाने का जो कोड रहता है कि आपका जो डाक खाना कहाँ लगता है, डाकघर कहाँ लगता है, तो वो यहाँ पर आपको डालना है। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं अच्छे से, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं, तो हमने एड्रेस डाल दिया है, यहाँ पर देखिए हमने सिटी डाल दी है जैसे कि छतरपुर डाल दी है, ये देखिए छतरपुर डाल दिया। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट यानी कि सिलेक्ट करना है, यहाँ पर देखिए हम स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड, जो पोस्ट कोड रहता है हमने बताया ना, तो वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंट्री कोड, एक कंट्री कोड आ गया है नया आया है, तो इसमें अपना जैसे कि प्लस अकाउंट में अपने मोबाइल नंबर के आगे क्या लगता है, अकाउंट में लगता है ना प्लस अकाउंट में, तो ये आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए अपना इंडिया रहेगा, तो ये है अपना इंडिया प्लस अकाउंट में, तो ये देखिए अपना कंट्री कोड ये लिखा हुआ है। अब नीचे यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो अपना जैसे कि अपना ये डाल दिया है, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर का आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना है, और नीचे आपको ईमेल डालनी है अपनी, कोई सी भी ईमेल डाल सकते हैं, जिससे आपकी फेसबुक आईडी बनी है तो वो डाल दीजिए, अगर वो नहीं है तो कोई सी भी आप ईमेल आईडी डाल दीजिए, आपको कुछ पता नहीं है कौन सी से बना है या उसमें लिंक है नहीं है, तो कोई सी भी आप यहाँ पर ईमेल आईडी यानी कि अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जीमेल आईडी आप डाल दीजिए। और उसके नीचे आता है जैसे कि हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं, नीचे आता है यहाँ पर देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है आपको परमानेंट अकाउंट नंबर PAPAN, तो यहाँ पर आपको डालना है अपना पैन कार्ड नंबर आपको डालना है यहाँ पर। चलिए हम वो भी फिल कर लेते हैं, उसके आगे हम बढ़ते हैं, तो फिर दिखाते हैं आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है, और यहाँ पर देखिए नीचे GST रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये ऑप्शनल है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है आपको, कोई भी GST नंबर, सीधे आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पर देखिए आपको जीमेल आईडी, और यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर को हर चीज यहाँ पर ये जरूरी है, बस यहाँ पर आपका GST नंबर नहीं है तो आपको GST नंबर कुछ भी नहीं डालना है, अगर आपका है भी तो कुछ भी नहीं डालना है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने पैन कार्ड नंबर डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ओके डन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए देखते जाइए, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए, इसीलिए मैंने बताया कि मैंने एक दिन पहले रिकॉर्डिंग की थी जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पर आपको टिक करना है, यहाँ पर देखिए आपको टिक करना है यहाँ पर, आपको ये डन कर देना है। अब देखिए एक नया पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कर देना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट करने के बाद दिखाते हैं आपको क्या फिल करना है आपको। यहाँ पर देखिए इसको नेक्स्ट होने देते हैं, थोड़ा लोडिंग लेता है, तो यहाँ देखिए इसको नेक्स्ट होने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब काफी लोग हैं जो यहाँ पर गलती कर देते हैं, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, अगर आपने यहाँ पर गलती की तो समझ लीजिए आपका जो पेमेंट है भैया वो अटक जाएगा, तो यहाँ पर गलती नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मिलता है आपको बैंक ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर का मतलब यह है कि आपका जो $25 में यहाँ पर पेमेंट आपके एक दिन में अंदर यानी कि एक दिन के अंदर आपके में आ जाएगा, आपको $100 करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है वायर ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर रहता है कि इसमें आपको स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा और आपको जो पेमेंट है $100 पर आएगी, इसमें आपको यानी कि 7 से 10 दिन लग सकते हैं। उसके बाद आता है पेपल, तो ये पेपल आपको छोड़ देना, दो रहते हैं जो मेन रहते हैं, तो देखो इसमें से आपको कौन सा सही रहता है, कौन सा बेस्ट है, तो आपको बीच वाला करना है वायर ट्रांसफर, क्योंकि जो ऊपर बैंक ट्रांसफर आया ना जिसने किया पेमेंट फंस गई है, पेमेंट ही नहीं आ रहा, किसी के 700-800 हजार डॉलर फंसे हुए हैं, तो बैंक ट्रांसफर आपको नहीं करना है, आपको करना है बीच वाला वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर में आपकी जो पेमेंट है वो कभी नहीं फंसेगी, वो आपकी जो पेमेंट है दो तीन दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाती है, 21 को रिलीज कर दी आपके बैंक में रिलीज कर दी जाती है, और 22-23 तक आपके अकाउंट में आ जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 8-10 दिन तो इसमें लगते ही नहीं है, जल्दी आ जाते, इसलिए आपको वायर ट्रांसफर करना है, ऊपर के में आपको बैंक ट्रांसफर नहीं करना है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं बीच वाले को, इसको वायर ट्रांसफर को मैंने बताया वायर ट्रांसफर करना है आपको, और स्विफ्ट कोड भी बताते हैं किस तरीके से आपको स्विफ्ट कोड है जो खोजना है। बैंक वाले में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो भैया बैंक वाला आप ऊपर वाला मत कीजिए, यहाँ पर देखिए हमको वायर ट्रांसफर करना है बीच वाला, अभी आपको स्विफ्ट कोड और बैंक आपको बताऊं तो बैंक आपको बड़ी बैंक डालना है, यानी कि जो बड़ी जैसे SBI हो गया, HDFC हो गए, और जैसे कि पंजाब नेशनल, ऐसे इस तरीके से आपको बड़ी बैंक सेलेक्ट करना है। तो देखिए हमने वायर ट्रांसफर कर लिया है, उसके लिंक पे आउट मेथड पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको कितने ऑप्शन मिलते हैं,
ऊपर अपना इंडिया सिलेक्ट है, उसके बाद देखिए अकाउंट होल्डर नेम, जो आपका बैंक यानी कि बैंक में नाम है तो वो आपको पूरा डालना है, जो बिल्कुल लिखा हुआ है वो वही डालना है, जो पासबुक में लिखा हुआ है आपको यहाँ पर नहीं डालना है कि आपको एंजल प्रिया डाल दिया, आपने कुछ भी डाल दिया अपना फेसबुक वगैरह का, नहीं ये नहीं डालना है आपको, जो आपके यानी कि उसमें लिखा हुआ है वही डालना है जो आपकी पासबुक में लिखा। उसके बाद आ जाता है शिफ्ट कोड, इस शिफ्ट कोड रहता है इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल बाहर से पेमेंट मंगवाने के लिए, तो शिफ्ट कोड बहुत जरूरी रहता है। और शिफ्ट कोड कैसे पता करना है, घर बैठे आप पता कर सकते हैं, तो वो हम बताएंगे ना अभी किस तरीके से करना। और नीचे आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना, बस इतना करना। अब शिफ्ट कोड मान लीजिए कि आपने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया, नीचे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया, अब आपको शिफ्ट कोड डालना है, तो ये किस तरीके से खोजना है। अब यहाँ पर देखिए हम इसको बैक करते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पर, हमको सर्च करना है फाइंड शिफ्ट कोड, शिफ्ट कोड इस तरीके से सर्च करना है। हम नीचे आते हैं यहाँ पर, और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए द शिफ्ट कोड, इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर नहीं करना, एक लिंक आती है ए वाली, यहाँ पर देखिए IFSC शिफ्ट कोड, इस पर आपको क्लिक करना है, ये वाली पर, इस पर इस साइट पर आपको क्लिक करना है, सर्च वाइज शिफ्ट कोड यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सर्च करना है अपना शिफ्ट कोड, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट पर क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, जैसे कि अपना इंडिया है, तो यहाँ पर देखिए हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए बैंक, अब कौन सी बैंक है, जैसे कि हम स्टेट बैंक कर देते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए सिलेक्ट बैंक नाम, तो यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर देखिए अपना MP में है, UP में है, कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट सिटी नेम, कहाँ पर है, मान लीजिए कि यहाँ पर है इंदौर में है, इंदौर सर्च कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम सिलेक्ट ब्रांच, तो यहाँ पर ब्रांच आ गई हैं, अब कोई सी ब्रांच सेलेक्ट करके डाल सकते हैं यहाँ पर, देखिए तो ये आ गया ऊपर अपना शिफ्ट कोड आ गया, ये आ गया, ये डाल देने। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप कुछ भी डाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने कुछ डाल दिया, जैसे कि आपके यहाँ पर नाम नहीं आ रहा कि कोई सा भी जिला नहीं आ रहा, तो आपको क्या डालना है, जैसे कि आपके कोई जिला है या कहीं से कुछ भी है तो नहीं आ रहा, तो आपको ये देखना है कि कौन आसपास आपको जो जिला आ रहा है, बड़ा जिला कौन सा आ रहा है, जैसे कि आप कहीं से भी एक गांव देहात से हैं लेकिन आपका जिला यहाँ पर जिला शो कर रहा है, तो जिला सेलेक्ट कर देना। अगर जिला नहीं कर रहा तो आसपास कौन सा आपके में बड़ा जिला आ रहा है आपके स्टेट में, तो वो यहाँ पर डाल देना, उसके नीचे बैंक सेलेक्ट कर देना, और आप यहाँ पर डाल सकते हैं, यानी कि अपने आसपास का बड़ा जिला सेलेक्ट करके वो डाल सकते हैं, आपका शिफ्ट कोड चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा भी यहाँ पर शिफ्ट कोड है, जैसे कि गाँव में बैंक है तो मेरा भी शिफ्ट कोड नहीं मिल रहा था बैंक का, यानी कि जिला तक नहीं आ रहा, तो मैंने दूसरे जिले का पास वाले जिले का डाल दिया था बैंक का, चल गया था, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बात आ जाती है हमें यहाँ पर, तो आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल लेना है। चलिए हम यहाँ पर नाम डालते हैं, पहले तो ऊपर नाम डालते हैं, और यहाँ पर आपको शिफ्ट कोड डालना है, और नीचे आपको अकाउंट नंबर डालना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा फास्ट कर देते हैं इसको, तो ये देखिए हमने सब कुछ फिल कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए लिंक पेआउट मेथड पर, यहाँ पर पेआउट मेथड पर आपको क्लिक कर देना है, बीच में आपको शिफ्ट कोड डाल दें, इस तरीके से आपको सर्च करना है, आपके आसपास का नहीं मिल रहा है तो कहीं का भी, इनके आपका बैंक का नहीं मिल रहा है तो कहीं का भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एड टैक्स इन्फो, तो यहाँ पर भी आपको गलती नहीं करनी है, अगर यहाँ पर भी आप गलती करेंगे तो आपको पेमेंट समझ लो नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एड टैक्स इन्फो पर आपको क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आ जाता है अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन करने के लिए। अब कई लोगों को ये रहता है कि उनको आईडी पासवर्ड ही नहीं है पता कि हमको क्या डालना है, कि किससे आईडी पासवर्ड, क्या पासवर्ड, क्या आईडी, कुछ पता नहीं है। तो ऊपर देखो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, और नीचे आपको पासवर्ड नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, देखिए फॉरगेट लिखा हुआ है तो वो आपको क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए फॉरगेट लिखा हुआ है तो ये आपको क्लिक करना है, अपना ऊपर मोबाइल नंबर डालना है और नीचे आपको फॉरगेट कर देना है, जैसे कि आईडी पासवर्ड कुछ नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पर देखिए नीचे फॉरगेट दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा था, यानी कि लॉगिन ही नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर फॉरगेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए अपना मोबाइल नंबर आ जाता है, किससे आपने बनाई थी, तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए अपना कोड आ जाएगा व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, मैसेज पर कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम कोड डालते हैं तो अपनी जो फेसबुक आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फॉरगेट कर देना तो आपकी जो आ जाएगी, तो यहाँ पर देखिए हम फॉरगेट कर लेते हैं, देखिए फॉरगेट कर लिया, यहाँ पर देखिए OTP आया है तो OTP हम यहाँ पर डालते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको गलती ना हो, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर देखिए न्यू पासवर्ड के लिए बोल रहा है तो हम यहाँ पर न्यू पासवर्ड बना लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने न्यू पासवर्ड बना लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं तो अपना जो टैक्स फॉर्म है वो यहाँ पर अपना आ जाएगा, तो यहाँ पर कंटिन्यू ये कुलदीप पर आपको क्लिक करना है,
तो यहां पर देखिए अपना जो टैक्स फॉर्म है अब वो यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू पर, यहां पर देखो बिल्कुल एक एक तरीका से बता रहा हूं किस तरीके से, गलती मत कर देना नहीं तो पेमेंट नहीं आएगा, अभी बता दे रहा हूं मैं। तो अब यहां पर देखिए आपको क्या सिलेक्ट करना है, ऊपर अपना इंडिविजुअल सिलेक्ट है, यहां पर देखिए आपको सीधे नो कर देना, कुछ भी नहीं करना है, यहां पर सीधे आपको नो सिलेक्ट करना है, तीन ऑप्शन मिलते हैं तो सीधे नो सिलेक्ट कर दीजिए, और नीचे भी आपको यहां पर नो कर देना है, एस नो आ रहा तो नो कर देना, दोनों में नो करना है। नेक्स्ट करना है तो यहां पर देखिए आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहां पर आपको इंडिया सिलेक्ट करना है, कहां पर मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां पर देखिए हम इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया है ये दिख रहा है ना, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यहां पर आपको यहां क्लिक करके इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको नेक्स्ट करना है, यहां पर देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट वाले पर, और कुछ भी नहीं करना है, सीधा इंडिया सिलेक्ट किया आपने, यहां पर देखिए अब नेक्स्ट करते हैं तो फिर से एक नया टैब ओपन होता है। तो यहां पर देखिए अपना सब कुछ आ चुका है, जो भी आपने एड्रेस वगैरह फिल किया है तो यहां पर सब कुछ आ चुका है, तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है, नहीं तो आप फिर से भी बैक कर सकते हैं। यहां पर देखिए सेकंड एड्रेस ऑप्शनल रहता है, आपको यहां पर कुछ भी नहीं डालना है। तो यहां पर देखिए हमने सब कुछ फिल कर लिया है अच्छे से, अब चलिए हम फिर से नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद फिर से हम उनको एड्रेस दिखाई देते, तो फिर से आपको नेक्स्ट करना है, यहां पर आपको 0% यहां पर सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर देखिए आपको क्या करना है, आपको मैं बता दूं, यहां पर देखिए सिग्नेचर आ रहा है, फुल नेम, तो जो आप जैसे कुलदीप यादव मैंने डाला तो कुलदीप यादव यहां पर डाल देना है, ऊपर आपको टिक कर देना है और फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। आपको शॉर्टकट में नहीं डालना है कि या फिर आपको इस तरीके से गूद गूद के डालने का जो आप सिग्नेचर करते हो, ऐसे नहीं करना है, आप फुल नेम आपको डाल देना है, ऊपर टिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। देखिए इस तरीके से नेक्स्ट कर देना है, चलिए हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद ये देखिए अपना ये फॉर्म आ चुका है, यानी कि अपना जो टैक्स फॉर्म है जो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए सबमिट फॉर्म पर आपको नीचे क्लिक करना है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए आपकी जो पेमेंट अब अटकेगी नहीं, कि जो अटक जाती है ना लोगों की पेमेंट, वो आपकी यहाँ पर अटकेगी नहीं। यहाँ पर देखिए आपको डन करना है सीधे, यहाँ पर देखिए डन कर दिया, स्वाहा कंप्लीट हो गया। देखिए अब थोड़ा लोडिंग लेगा और कंप्लीट हो जाएगा, देखिए हो जा थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पर फिर से डन करना है, यहाँ पर देखिए डन करना है, चलिए हम इसको डन करते हैं फिर से, ये देखिए आ चुका है। अब यहाँ पर आपके स्टार बनेंगे, कितने आपको स्टार मिले हैं और बगल में उसकी अर्निंग दिखाई जाएगी कि कितने स्टार पर कितनी आपकी अर्निंग बनी हुई है। जैसे कि 100 स्टार हो जाएंगे तो तब आपका यहां पर $1 बनेगा और $100 पर आपकी पेमेंट आएगी, तो समझ सकते हैं। अब चाहे किसी भी थ्रू से आप कमा लीजिए, अब आपको जो भी फीचर मिलेंगे, जैसे कि अब हो गया इनस्ट्रीम ऐड हो गया, अब जैसे अब इनस्ट्रीम ऐड मिलेगा आपको या ऐड सनरील मिलेगा या बोनस मिलेगा, तो इसी से आपको सिर्फ एक बार लिंक करना है, एक बार क्लिक करेंगे तो इसी पे आउट से आपका जो यहां पर लिंक हो जाएगा। अब अलग से फिर से दोबारा से भरने की जरूरत नहीं है कि फिर से आप यहाँ पर पूरा सेटअप करेंगे, इस तरीके से भरने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही तरीका मैंने आपको बताया, बिल्कुल A to Z जानकर इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है बिल्कुल नहीं अटकेगी, आपके अकाउंट में बिल्कुल सेफली आपके अकाउंट में आ जाएगी, यानी कि 21 तारीख को रिलीज कर दी जाएगी, 2-3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगी। बैंक आपको बड़ा लगाना है और शिफ्ट कोड अपने आसपास का लगा सकते हैं, अगर आपके बैंक का नहीं मिलता है तो किसी भी जिले का लगा सकते हैं, अपने आसपास के किसी भी जिले का, बस अपने स्टेट का होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय, जय हिंद।